हे गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, हमें विंजो का यहाँ पे रूम आईडी और पासवर्ड देखने के लिए मिल रहा है, जो फ्री फायर का हमें कस्टम देखने के लिए मिलता है विंजो में। यहाँ पे हमें देसी गेमर के लोबी में हमें रूम आईडी मिल गया है। मैंने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था जो 30 में था, और यहाँ पे देख लीजिए हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमें रूम आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो जब हम अपने यहाँ पे जाकर फ्री फायर में कस्टम में डालते हैं तो वो काम नहीं करता, या तो रूम ही नहीं आता है, या फिर रूम आ जाता है लेकिन वो भर जाता है और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करने पर हम इंटर नहीं हो पाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने फ्री फायर ओपन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लेते हैं और कस्टम में लेकर चलते हैं। और हमारा रूम आईडी क्या था, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हमारा रूम आईडी था यहाँ पे 4777 26, उसके बाद से 87। और यहाँ पर हम सर्च करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमें यहाँ पर दिखाता है कि हमें कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, हमें दिखाता है कि रूम अवेलेबल नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रूम तो आ जाता है, जी कस्टम तो हमें मिल जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए, लेकिन जब हम पासवर्ड डालते हैं तो इंटर नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी यहाँ पे रूम आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो आपको तुरंत ही आना है। जी हाँ, आपको 2-3 मिनट के अंदर, 1 मिनट के ही अंदर चले आइए और यहाँ पे आइए और रूम आईडी पासवर्ड डालिए। जैसे आप रूम आईडी पासवर्ड डालेंगे, तैसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से रूम देखने के लिए मिलेगा कस्टम, और उसको आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग पे क्लिक करके, और आपको क्या करना है, ईजिली ज्वाइनिंग हो जाना है। जी हाँ, अगर मान लीजिए अगर आप लेट करते हैं तो लेट करने से क्या होता है कि रूम भर जाता है, 60 लोगों का रहता है और 48 लोग ही यहाँ पे आते हैं, तो रूम भर जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, कस्टम पूरा फुल हो जाता है, उसके बाद से आपको ज्वाइनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप कर ही नहीं पाते हैं। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इंटर होने की कोशिश करिएगा। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम पासवर्ड डालते हैं और काम ही नहीं करता है। जी हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि जो रूम होता है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, अवेलेबल दिखाता है कि रूम या तो फुल हो गया है या फिर अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 4777 यहाँ पे 26 और 87 हमारा रूम आईडी था। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिखा रहा है नो रूम अवेलेबल। तो इस हालत में आपको क्या करना है, ये कब दिखाता है, जब आप लेट कर देते हैं। मान लीजिए रूम आईडी पासवर्ड मिल गया और आप दिखाता है कि 10 मिनट पहले तो आ सकते हैं, लेकिन आप जाते हैं 9-10 मिनट एकदम पूरा उसी लास्ट टाइम पर जाते हैं, तो रूम अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि पूरा फुल हो चुका रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कभी भी लेट नहीं करना है, पहले ही आ जाना है। और मान लीजिए बाई चांस अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, जी हाँ ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, तो जो भी आपने कंटेस्ट में पैसा लगाया होगा, जैसे 50 में 30 में कंटेस्ट चलता है, तो अगर आपने 50 रुपये लगाया होगा तो जैसे ही वो पूरा प्लेइंग ख़त्म होगा, जैसे ही वो कस्टम ख़त्म होगा, वैसे ही आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। जी हाँ, कस्टम का गेम प्ले जैसे ही फिनिश होगा तैसे ही आपको ये जो आपका पैसा होगा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जाकर ज्वाइनिंग करना है, और पासवर्ड गलत बता रहा है तो समझ लीजिए आपने लेट कर दिया है। जी हाँ, तो आपको लेट नहीं करना है, यही रीज़न होता है कि रूम आईडी अवेलेबल नहीं दिखाता है या फिर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।